कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको, तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुख्तार के जनाजे में शामिल होने हजारों लोग पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने को लेकर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम आरका अखौरी के बीच जमकर बहस हुई। जानकारी के मुताबिक कब्रिस्तान के पास मौजूद लोग मुख्तार को मिट्टी देना चाहते थे, जिस पर डीएम ने कहा कि पूरा कस्बा मिट्टी देने नहीं जा सकता, केवल परिवार के लोग ही वहां जा सकते हैं और इसकी परमिशन है। इसी बात को लेकर डीएम आरका अखौरी और अफजाल अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको, तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। वही इस पूरे मामले पर गाजीपुर की डीएम आरका अखौरी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता और धारा 144 लगी हुई है, जिसने भी इसका उल्लंघन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है, तो उसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए, उनसे क्या अपील करेंगे मैम, किस तरह का जो समर्थक आए थे, नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। वह इस पूरे घटनाक्रम के बाद अफजाल अंसारी ने क्या कहा, सुनिए। इसका जो धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें, मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। आगे 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 कैसे, किस तरह का कार्रवाई करेंगे? अब वो तो बाद में बात करेंगे। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी दल भी मुख्तार की मौत पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं यूपी सरकार के निर्देश के बाद मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जांच भी शुरू हो गई है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।